की है मांग। मत्सर प्रहलाद बुधवार बीजेपी नेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब मामले में कोई सुनवाई ना होने से नाराज मृतकों के परिजनों ने आजाद चौक पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मंगलवार देर शाम तक भी सरकार की तरफ से कोई जवाब न आने से परिजनों ने कहा कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक उनका ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। साथ ही परिजनों ने अपने साथ धरना स्थल पर ही प्रहलाद बुधवार की अस्थियां भी लाकर हड़ताल कर रहे हैं। इसी दौरान तेली समाज और बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन सरकार और प्रशासन के आवासन न मिलने के कारण वो अनशन पर ही बैठे रहे। परिजन अब भी अपने बात पर डटे हुए हैं। तो देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए।